क्या स्ट्रेच मार्क की ट्रीटमेंट पॉसिबल है? द आंसर इज नो. वंस इट अकर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट द स्ट्रेच मार्क. दोस्तों स्ट्रेच मार्क जो होता है वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्किन जब स्ट्रेच होता है, इलास्टिन फाइबर्स जब टूटता है, उसके कारण स्ट्रेच मार्क एक स्कार होता है. वो जनरली प्रेग्नेंट फीमेल, ओबेसिटी में, एक्सेसिव वेट गेन या एक्सेसिव वेट लॉस के अंदर होता है. इनिशियली वो रेडिश या पर्पलिश कलर का होता है और ग्रेजुअली वो डिसअपियर होता है या वो लाइटर होता है. स्ट्रेच मार्क को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आपको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर लिबरल अमाउंट में आपको लगाना पड़ेगा. जैसे आप जिम में जा रहे हो तो जिम में लिबरल अमाउंट जहां पे स्ट्रेच मार्क घुसा है वहां पे आप लिबरल अमाउंट में मॉइस्चराइजर लगाइए. प्रेगनेंसी के दौरान आप टमी पे मॉइस्चराइजर लगाइए जिसके कारण ये इसकी मात्रा कम होगी. कई सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जैसे ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, विटामिन ई या एलोवेरा, उससे स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाते. अगर स्ट्रेच मार्क की ट्रीटमेंट करनी है तो अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट या कई बार प्लास्टिक सर्जन के पास जाइए. डर्मेटोलॉजिस्ट वो आपको रेटिनॉइड बेस्ड जो क्रीम होती है वो प्रेगनेंसी के बाद आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, या रेडियो फ्रिक्वेंसी जो MNRF ट्रीटमेंट बोलते हैं वो होता है, CO2 फ्रैक्शनल लेजर होता है. कई बार केमिकल पीलिंग से ट्रीटमेंट करते हैं पर रिजल्ट खाली 30-40% स्कार की विजिबिलिटी में कम होगा. प्लास्टिक सर्जन टमी टक सर्जरी करके लोअर अम्बिलिकस के जो नीचे होता है वो स्ट्रेच मार्क निकालते हैं पर उसमें एक बड़ा सा स्कार टमी टक सर्जरी का आता है. सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड हु इज अ प्रेग्नेंट वुमन, बॉडी बिल्डर और हु इज हैविंग एक्सेसिव स्ट्रेच मार्क्स. थैंक यू सो मच.